जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं भाई सब बढ़िया होंगे। स्टूडियो में दोस्तों बात करेंगे, जो सीपीएल का मैच नंबर 11 खेला जाएगा, मतलब जो कैरेबियन प्रीमियर लीग है दोस्तों, इसका मैच नंबर 11 खेला जाएगा, जिसको हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। जो खेला जाएगा एसकेएन वर्सेज एबीएफ, यानी कि सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स वर्सेज एंटीगा बारबुडा फाल्कन्स की टीम के बीच में। डिटेल में कवर करेंगे भाई, वीडियो कंप्लीट देखना, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मिस नहीं करनी। क्या कुछ आज के मैच के इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे भाई, कौन से 11 प्लेयर्स को अपनी टीम में बैक करके चलना है, किसको अपनी टीम में कैप्टनसी या फिर अपनी टीम में वाइस कैप्टनसी के ऑप्शंस पे लेके चलेंगे, आज के मैच के सेफ ऑप्शंस आपके लिए कौन से प्लेयर, और उन सेफ ऑप्शंस के साथ साथ आप लोग आज के मैच में कौन से प्लेयर को अपनी टीम में एज ए ट्रंप प्लेयर ट्राई करोगे। देखो, ट्रंप कार्ड प्लेयर का जो रोल रहेगा ना, वो काफी बड़ा रहेगा, तो ट्रंप कार्ड ऑप्शंस के ऊपर मैं थोड़ा मेनली फोकस करूंगा कि कौन से प्लेयर आज के मैच में आपके लिए अच्छे ट्रंप कार्ड ऑप्शंस बनके जा सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिस नहीं करनी। पिच रिपोर्ट किस प्रकार की है भाई, बैटिंग सर्फेस है, बॉलिंग सर्फेस है, फास्ट इंपोर्टेंट है, स्पिन इंपोर्टेंट है, सारी चीजें एक एक करके कवर की जाएगी, तो वीडियो कंप्लीट देखना। बाकी एक चीज बता दूं, अभी देखो रिसेंटली कल के दिन मैं कोई भी वीडियो कवर नहीं कर पाया था, क्योंकि भाई मैं ट्रैवल कर रहा था, ठीक है, उस जैसे कल के दिन कोई भी वीडियो नहीं आई, लेकिन अभी आपको रेगुलर बेसिस पे डेली वीडियोस मिलती रहेंगी, ठीक है। तो एक दिन की मैं आपसे माफी चाहूंगा, बाकी अभी थोड़ा सा मैच के ऊपर फोकस करते हैं। एसकेएन वर्सेस एबीएफ के बीच में खेला जाएगा, तो क्या कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है सारे डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार दोनों टीम्स के परफॉर्मेंस के बारे में बता दूं, तो यहां से एसकेएन की जो टीम है, ये भी अपने 5 मैच खेल के सिर्फ एक ही मैच विन कर पाई है, जबकि दूसरी साइड एबीएफ की जो टीम है, ये भी 5 मैच खेल के अपना सिर्फ एक ही मैच विन कर पाई है। मतलब दोनों टीम्स इस सीजन उतना बढ़िया स्टार्ट नहीं कर पाई, लेकिन दोनों इक्वल टीम्स है, एक टीम को आप लोग ज्यादा स्ट्रांग, एक टीम को ज्यादा वीक नहीं कह के चलोगे, ठीक है। लेकिन आज के मैच में अपनी टीम में कौन से 11 प्लेयर रहेंगे, वो चीज इंपॉर्टेंट रहेगी, तो वही चीज हम लोग बढ़िया तरीके से कवर करेंगे। सो वीडियो पूरा देखना, कोई इंफॉर्मेशन आपको मिस नहीं करनी। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, सबसे पहले चैनल पर नई होती है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, आने वाले किसी भी मैचेस की वीडियोस आपको मिस नहीं करनी। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, लाइक में बहुत कंजूसी करते हो भाई, मत किया करो, दबा के लाइक करो, वीडियो को दबा के वीडियो को शेयर करो अपने भाई बंधु में, जो भी आपका भाई बंधु फैंटेसी खेलता है, क्योंकि आप लोगों को एक लाइक मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट करता है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। टेलीग्राम के साथ में नहीं जुड़े भाई ज्वाइन कर सकते हो, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओगे, सबसे ऊपर आपको टॉप में पिंड कमेंट मिल जाएगा, वहां पे लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। टॉस के बाद कोई भी अपडेट्स होंगे, फाइनल टीम में कोई भी चेंज करेंगे लास्ट मोमेंट, ट्रंप कार्ड ऑप्शंस में कोई चेंजेस होंगे, अकॉर्डिंग टू टॉस आपको सारी अपडेट टेलीग्राम पे दी जाएगी, तो कमेंट सेक्शन में लिंक है दोस्तों, सिंपली जाइए, सबसे पहले आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर से कर लीजिए, ठीक है। मैच की बात करते हैं, अब सीधा सीधा एसकेएन वर्सेस एबीएफ के बीच में खेला जाएगा, पहले पिच रिपोर्ट पे चलते हैं, उसके बाद में आएंगे फिर टीम सिलेक्शन पे, ठीक है। वेन्यू की बात करूंगा भाई, वॉर्नर पार्क के ऊपर ये मैच आपको देखने को मिलेगा, यहां से बात करें एक अच्छा बैटिंग सरफेस हो सकता है, लेकिन देखो दोनों टीम्स का ये सीजन उतना बढ़िया नहीं गया, मतलब भाई दोनों टीम्स हो सकता है कि यहां पे कोलैप्स करके भी जा सकती है, उनकी बैटिंग की अगर मैं बात करूं, वो फीलिंग मत लेके चलना कि यहां पे आपको 180 रन देखने को मिल जाए, अगर पहले बैटिंग ने 160 से 165 का भी स्कोर इस विकेट पे कर दिया, वो भी एक अच्छा टोटल है, क्योंकि दोनों टीम्स उस लेवल की बल्लेबाजी लेके नहीं चल रही है कि भाई वो 180 190 के टारगेट को भी चेज कर पाएंगे, ठीक है। तो 160 से 165 मेरे हिसाब से यहां का एवरेज स्कोर आपको जरूर देखने को मिलेगा। बाकी ओवरऑल बात करूं तो टोटल इस वेन्यू पे 90 मैचेस खेले जा चुके हैं, जहां पे भैया फर्स्ट बैटिंग का विन परसेंटेज 40%, तो सेकंड बैटिंग का लगभग यहां पे 58% है, ठीक है, मतलब हल्का सा एडवांटेज आप लोग कहीं ना कहीं सेकंड बैटिंग के फेवर में कह सकते हो। लेकिन देखो, अगर किसी टीम ने फर्स्ट बल्लेबाजी में यहां पे 170 से 175 भी रन कर दिए, तो सेकंड बैटिंग के लिए चीजें थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगी, ठीक है। 160 तक का जो स्कोर है, 165 तक का, वो यहां पे चेजेबल स्कोर है सेकंड बैटिंग में, ये मान के चलो, लेकिन अगर वहीं पे 10-15 एक्स्ट्रा रन बना दिए ना फर्स्ट बल्लेबाजी ने, तो वो 10-15 रन को भाई देखो यहां पे कवर करना सेकंड बैटिंग के लिए फिर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो ये भी थोड़ा सा आपको चीजें ध्यान रखनी है। बाकी ओवरऑल बात करूं, अच्छा विकेट है फास्ट बॉलर्स के लिए, अब तक देखोगे टोटल पिछले 10 मैच में 74 विकेट यहाँ पे फास्ट बॉलर्स ने लिए, तो स्पिन यहाँ पे केवल 50 विकेट निकाल पाई है, जरूर फास्ट बॉलिंग आगे आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जो टीम पहले गेंदबाजी करेगी ना, उसके मेन फास्ट बॉलर जो डेथ में गेंदबाजी करेंगे, वो आपको जरूर पिक करने हैं, वो कौन से रहेंगे टीम सिलेक्शन के टाइम आपको बता दूंगा। बाकी स्पिन में कुछ एक इंपॉर्टेंट च्वाइस आपको मिलेगी, ऐसे स्पिन गेंदबाज जो कि विकेट टेकिंग गेंदबाज है, पूरे 4 ओवर भी देंगे, प्लस वो आपको बल्लेबाजी भी देंगे, तो वो स्पिन गेंदबाज आपको जरूर रखने भाई, टीम सिलेक्शन के टाइम बता दूंगा वो कौन से स्पिन गेंदबाज है जो पूरे 4 ओवर भी देंगे और बल्लेबाजी बैकअप भी आपको देके चलेंगे, ठीक है। रेनी कंडीशन से बारिश वगैरह के थोड़े बहुत चांसेस में भी आपको आज के मैच में देखने को मिल जाए, अब बारिश तो भाई किसी के हाथ की बात नहीं है, एवरेज जो स्कोर है यहाँ पे 210 मेंशन है, बट इस हिसाब से टीम मत बनाना, ये मेरा सजेशन आपको, मेरे अकॉर्डिंग आप लोग 160 से 165 का जो स्कोर मैंने आपको बताया उसी हिसाब से टीम बना के चलिएगा, ठीक है। ज्यादा बड़े स्कोर के हिसाब से जाओगे भाई, अगर टीम्स कोलैप्स कर गई ना, पूरा टीम सिलेक्शन खराब हो जाएगा, सो वो गलती मत करिएगा, मेरा ये आपको पर्सनल सजेशन है, ठीक है। बाकी वेन्यू के बारे में सिर्फ इतना ध्यान रखिए, आपको इससे ज्यादा चीजें ट्राई नहीं करनी, सीधा टीम सिलेक्शन पे लेके चलता हूं भाई। विकेट कीपिंग सेक्शन में आएंगे पहले, यहां से आओगे सीधा विकेट कीपिंग सेक्शन के अंदर, एक सेकंड,
तो विकेट कीपिंग सेक्शन में पहली ऑप्शन आंद्रे फ्लेचर की रहेगी, दूसरी बिलिंग्स की रहेगी, तीसरी रहेगी भाई जे मैकएंड्रू की। ठीक है, आंद्रे फ्लेचर आपके लिए टोटल सेफ ऑप्शन है। देखो अगर मैं फॉर्म की बात करूँ ना तो फ्लेचर की भी उतनी बढ़िया नहीं है, ठीक है, लेकिन बैटिंग ऑर्डर ऊपर है भाई साहब, उस वैल्यू रहेगी उस चीज की। क्यों रहेगी? क्योंकि सैम बिलिंग्स का बैटिंग ऑर्डर, एक तो टीम ने लास्ट मैच 7th डाउन कर दिया, मतलब 7 विकेट गिरने के बाद, और ये बल्लेबाज है भाई ऊपर बल्लेबाजी करने वाला, मतलब 2 या 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने वाला प्लेयर है। बट लास्ट मैच टीम ने क्या किया, इनका जो बैटिंग ऑर्डर था वो 7th डाउन 7 विकेट गिरने के बाद कर दिया। तो हो सकता है इस मैच में बैटिंग ऑर्डर चेंज होकर ऊपर भी हो जाए, वो भी पॉसिबल, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं टीम ने वहां पे सस्पेंस क्रिएट जरूर कर दिया कि भाई बैटिंग ऑर्डर नीचे जा सकता है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए बिलिंग्स में अभी प्रेफर नहीं करूंगा। तो मेरे अकॉर्डिंग आंद्रे फ्लेचर आपके लिए सेफ ऑप्शन है, चले ना चले एक अलग चीज है, सबकी टीम में आएंगे, क्योंकि एकमात्र ऊपर बल्लेबाजी करने वाला प्लेयर आपको मिल रहा है। रिसेंट फॉर्म की बात करूं तो 21 का इनका एवरेज है, 5 मैच में केवल 107 ही रन है, तो उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू बैटिंग ऑर्डर मेरे हिसाब से एक अच्छी चॉइस है। उसके बाद में यहां से देखो जे मैकएंड्रू की अगर बात करेंगे, इनका जो बैटिंग ऑर्डर रहेगा एबीएफ की टीम के लिए वो आपको 3rd डाउन के आसपास दिखेगा, मतलब आंद्रे फ्लेचर को बाहर करके अगर आप लोग डिफरेंट जाना चाहो, अगर आप लोग ट्रंप के साथ में जाना चाहो, फिर आप लोग जे मैकएंड्रू के साथ में जा सकते हो। फॉर्म की बात करते हैं भाई जे मैकएंड्रू की, 5 मैच में 125 रन और 31 के आसपास एवरेज है, मतलब दोनों प्लेयर की फॉर्म ठीक ठाक है, एवरेज फॉर्म है, उतनी बढ़िया उतनी खराब दोनों की नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू बैटिंग ऑर्डर फ्लेचर मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर है सेफली जाने के लिए। लेकिन 3rd डाउन पे बल्लेबाजी मैकएंड्रू करेंगे तो इनके साथ में ट्रम्प कार्ड ऑप्शन में जा सकते हो, ये चॉइस आपकी है। बिलिंग्स का बैटिंग ऑर्डर चेंज हो सकता है, सो वो चीज थोड़ा रिस्की अपने लिए बन सकती है। बैटिंग सेक्शन में आऊंगा दोस्तों, यहां से एवन लुईस आपके लिए पहले चॉइस रहेंगे भाई, इनके साथ में जरूर टीम में बैट करके चलिएगा, क्योंकि ओपनिंग बल्लेबाजी करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड थोड़ा इंटरप्ट हो गया भाई, तो यहाँ से ना ये फ्लाइट वगैरह ऊपर से जाती रहती है, तो उस वजह से ये थोड़ा सा इंटरप्ट होगा बीच में, तो थोड़ा सा चीज़ें मैनेज करना, क्योंकि भाई वो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है। ठीक है, एवन लुईस की हम लोग बात कर रहे थे, ओपनिंग बल्लेबाजी करेंगे, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, तगड़ा हार्ड हिटर प्लेयर है, 6 ओवर का पावर प्ले, पूरा बेनिफिट उठा के जा सकते हैं, छोड़ने की गलती मत करिएगा अपनी स्मॉल लीग की टीम से बिल्कुल भी। और एवन लुईस की बात करूँ, 5 मैच में 171 रन है और 42 के आसपास एवरेज है, इंपॉर्टेंट चॉइस है, मत छोड़िएगा। उसके बाद में नीचे आएंगे फखर जमान, जो कि स्टार्ट करेंगे, यानी कि इनिशियल ओवर यानी कि ओपन बल्लेबाजी करेंगे, इनका भी 6 से 8 ओवर के अंदर जो रोल रहेगा वो काफी बड़ा होने वाला है। सो आप लोग यहां से फकर जमान के साथ में भी टीम में बैक करके चलो, डिफरेंट चॉइस में कैप्टनसी वाइज कैप्टनसी कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं फकर की बात करूंगा तो 5 मैच में 159 रन है और इनका 31 का एवरेज है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखे चलिएगा। उसके बाद में नीचे आऊंगा, देखो एम लुईस है, कैसा प्लेयर जिसका सिलेक्शन थोड़ा सा कम है, लेकिन यार एम लुईस की जो फॉर्म रही है ना वो काफी बढ़िया रही है, क्योंकि जितनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी ना उससे कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस इन्होंने करके दिखाई। और लुईस का जो बैटिंग ऑर्डर है वो 2nd डाउन पे है, जबकि ये 3 मैच में 117 रन और 39 के आसपास इनका एवरेज है, मतलब एक अच्छा प्लेयर आपको मिल रहा है जिनका सिलेक्शन कम है लेकिन रिसेंट फॉर्म अच्छी है। तो आप लोग अगर ट्रम्प कार्ड ऑप्शन में जाओ तो एम लुईस के साथ में 37% सिलेक्शन में बैक कर सकते हो, क्योंकि कोई भी ट्राई नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में जस्टिन ग्रेव्स, 2 मैच से लगातार ओपनिंग करी है टीम के लिए। एक चीज बता दूं, जो ग्रेव्स है ना ये गेंदबाजी कर सकते हैं, बट डिपेंड ये करता है कि भाई टीम गेंदबाजी करवाएगी या फिर नहीं करवाएगी, लेकिन ये कर सकता है गेंदबाजी। लेकिन अब तक ये सिर्फ 2 मैच खेले, 2 मैच में 75 रन इनके नाम है, 73 या 75 कुछ ऐसे रन इनके नाम है, 36 के आसपास इनका एवरेज है। ठीक है, 72-73 रन इनके नाम, लेकिन ठीक ठाक प्लेयर मुझे लगे डिफरेंट में एम लुईस और भाई ग्रेव्स, ये आपके लिए 2 डिफरेंट चॉइसेस होंगे। ठीक है, उसके बाद में स्टेफन रदरफोर्ड, तगड़े हार्ड हिटर प्लेयर लेकिन फॉर्म थोड़ा खराब है, नीचे बल्लेबाजी कर रहे हैं, मैं अभी प्रेफर नहीं करूंगा। उसके बाद में के जेम्स की अगर बात करेंगे तो यहां से केम जेम्स जो एबीएफ की टीम के लिए आपको ऑलमोस्ट यहां पे अगर मैं बात करूं तो भाई 6th डाउन लास्ट मैच बैटिंग के अंदर हमें दिखे थे, और अगर फॉर्म की बात करेंगे तो 4 मैच में केवल 74 रन से, अभी छोड़ के चलो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो 2 प्लेयर सेफ आपके लिए एवन लुईस फखर जमान रहेंगे, डिफरेंट अगर आपको जाना है ट्रम्प कार्ड ऑप्शंस के साथ में सो आप लोग जा सकते हो लुईस या फिर भाई ग्रेव्स में से किसी एक के साथ। अभी चलते दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन में, इमाद वसीम, काइले मेयर्स, यहां से भाई वनिंदु असरंगा, यहां से क्रिस ग्रीन, और उसके बाद में फैबियन एलन। ठीक है, ये जो 5 प्लेयर पिक करे, देखो ये कॉमन पिक्स है, इनके साथ आप लोग हर हाल जाओगे, नहीं छोड़ सकते भाई किसी भी प्लेयर को, ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन बेस है तो उठा लिया अपनी टीम में, भाई उठाना पड़ेगा। क्यों उठाना पड़ेगा, उसका रीजन ये है, इमाद वसीम ऊपर बल्लेबाजी, 2nd से 3rd डाउन बल्लेबाजी, दूसरी चीज पूरे 4 ओवर भाई गेंदबाजी आपको मिलेगी, विकेट टेकिंग गेंदबाज बन सकते हैं, बल्लेबाजी में अच्छा कर सकते हैं, तो लेना तो पड़ेगा बॉस, नहीं छोड़ सकते। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की वन ऑफ द बेस्ट चॉइस आपके लिए बनेंगे, ध्यान रखिएगा। लास्ट मैच में 46 रन की काफी अच्छी इन्होंने पारी भी खेली बल्ले के साथ में, ये भी आपको ध्यान रखनी है। तो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की चॉइस में जरूर लेके चल सकते हो। सेम केस बनेगा मेयर्स के साथ, ओपनिंग बल्लेबाजी 3 से 4 ओवर, लगभग 2 से 3 ओवर तो कंफर्म ये डालेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगर विकेट मिलते हैं तो मे भी पूरे 4 डाल जाए, अगर 2 ओवर में पिटाई होती है तो मे भी इनको फिर तीसरा ओवर भी ना मिले, लेकिन 2
ओवर लगभग इनके कंफर्म मान के चलिए। दूसरा बल्लेबाजी में ओपनर ने आएंगे, वहां पे आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है क्योंकि तगड़े हार्ड हिटर प्लेयर है, 6 ओवर के पावर प्ले का पूरा बेनिफिट उठा सकते हैं, तो कैप्टनसी वाइज कैप्टनसी की अच्छी चॉइस है। और अगर मेयर्स की बात करूं, ओपनिंग नहीं भी करेंगे तो वन डाउन आ जाएंगे भाई, नॉर्मल ओपन करते हैं लेकिन सीपीएल के अंदर अभी ये वन डाउन बल्लेबाजी कर रहे हैं, ठीक है। और रिसेंट फॉर्म की बात करूंगा, 5 मैच में 165 रन है, 31 के आसपास 33 के आसपास एवरेज है और 5 विकेट भी इनके नाम है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है, इस वजह से टीम में रखना पड़ेगा। उसके बाद में वनिंदो सरंगा सेम केस, ऊपर बल्लेबाजी 4 ओवर गेंदबाजी, पिछले मैच में 40 के समथिंग रन्स करे, 1 विकेट इनके नाम था, पूरे 4 ओवर मिल रहे हैं, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की अच्छी चॉइस है ये तीनों प्लेयर, ठीक है। ये तीनों पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए आपके कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। उसके बाद में देखो क्रिस ग्रीन, इन्होंने लास्ट मैच सिर्फ 1 ओवर गेंदबाजी करी थी, अब वो चीज देखो यहां पे इन्होंने थोड़ा सस्पेंस क्रिएट कर दिया, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये पूरे 4 ओवर कंप्लीट करने वाला गेंदबाज है। अब मैंने लास्ट मैच नहीं देखा, मैं आपको जनरल बता दूं, ठीक है, मे बी इनको थोड़ा इंजरी वगैरह कुछ हुई हो, शायद उस वजह से इन्होंने कंप्लीट ना करे हो पूरे ओवर, लेकिन अगर बिल्कुल फिट होंगे तो मेरे हिसाब से ये पूरे 4 ओवर तो जरूर डालेंगे। और अच्छे गेंदबाज है, बल्लेबाजी बैकअप भी मिल जाएगा अगर बल्लेबाजी का मौका मिलता है। सो छोड़ के नहीं चलेंगे। ग्रीन की अगर फॉर्म की भी बात करेंगे एबीएफ की टीम के लिए, तो 3 मैच में 34 रन और इनके नाम 4 विकेट है, ठीक है। उसके बाद में नीचे आएंगे, फैबियन एलन के बारे में एक चीज मैंने आपको हमेशा बोली थी जब मैं सीपीएल वीडियोस कवर कर रहा हूं, तो भाई देखो ये चीज मैंने आपको बोली थी कि 4 ओवर अगर फैबियन एलन को कंप्लीट मिलते हैं गेंदबाजी में, ये प्लेयर आपके लिए एक अच्छी चॉइस बन के जाएगा। लास्ट मैच फैबियन एलन ने पूरे 4 ओवर डाले, अब इनकी फॉर्म भी देख सकते हो आप लोग अच्छी दिख रही है, दूसरा बल्लेबाजी का मौका मिलेगा वहां पे ही आपको अच्छा बैकअप देके जा सकते हैं, तो दोनों साइड ही आपको अच्छे पॉइंट्स करके देके जाएंगे, ठीक है। अगर फैबियन एलन की बात करें, 4th राउंड बल्लेबाजी करते हुए 5 मैच में 61 रन है, 5 विकेट इनके नाम है, लास्ट मैच में पूरे 4 डाल के विकेट टेकिंग गेंदबाज है, पूरे 4 ओवर मिलेंगे, फिर से एक इंपॉर्टेंट चॉइस रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन अगर क्रिस ग्रीन यहां से भाई पूरे 4 डालते हैं तो किसी ना किसी के ओवर जरूर कटोगे, मे बी फैबियन एलन की हो जाए या फिर अदर कोई इनकी जो टीम है उनके अंदर आपको दिखेगा, जैसे कि के जेम्स है, सॉरी के जेम्स नहीं, बाकी जो अदर प्लेयर जैसे कि प्रेमस है उनके ओवर कट हो सकते हैं, तो किसी ना किसी के ओवर कट हो सकते हैं। नीचे आएंगे थोड़ा सा, यहां से देखो जे क्लार्कसन की ऑप्शन है, जे क्लार्कसन मुझे उतना फिट अभी नहीं लगते तो फिलहाल छोड़ दो। आर जोन के बारे में अगर मैं बात करूं, जो कि केन की टीम के लिए आर जोन, आपको भाई लास्ट मैच 7th डाउन बैटिंग में आए थे, और दूसरी चीज बता दूं 5 मैच में इनके नाम 58 रन और 2 विकेट है, अब कितने ओवर गेंदबाजी मिलेगी वो श्योर नहीं है, बट मेरे अकॉर्डिंग शायद 4 ओवर पूरे ना डाले, वो ध्यान रखना, तो फिलहाल मैं इनको नहीं रखूंगा। तो ऑलराउंडर सेक्शन से ये जो 5 प्लेयर है ये मैं अपनी टीम में लेके चल रहा हूं। बॉलिंग सेक्शन के अंदर आऊंगा, सबसे पहले यहां पे स्प्रिंगर जो कि इंपॉर्टेंट है, पूरे 4 ओवर डाल रहे हैं, यहां से भाई एंडिस नोरकिया, ये दोनों प्लेयर इंपॉर्टेंट, दोनों पूरे 4-4 ओवर देंगे, जहां पे भैया दोनों यहां पे अपनी अपनी टीम के लिए डेथ ओवर में भी गेंदबाजी करेंगे, वो भी प्लस पॉइंट है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले स्प्रिंगर की अगर फॉर्म की बात करेंगे दोस्तों, 5 मैच में 7 विकेट इनके नाम है, जबकि एनएच नोरखिया की बात करें तो इनके नाम भी 5 मैच में 7 विकेट है, ठीक है। दोनों की फॉर्म अच्छी, दोनों अपनी अपनी टीम के लिए डेथ में भी गेंदबाजी डाल के जाएंगे, वो भी प्लस पॉइंट है, क्योंकि डेथ में विकेट मिलने के हाई चांसेस होते हैं, तो ऐसे प्लेयर जो ऐसे फास्ट बॉलर्स है वो मत छोड़िएगा। उसके बाद में आमिर की बात करें, बीच में 3 मैच विकेट लेस थे, अब तक सिर्फ 2 विकेट इनके नाम है, लेकिन आमिर अगर पहली गेंदबाजी एबीएफ करे तो रख सकते हो, और ये मेरे हिसाब से इनिशियली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शायद डेथ में उतना इफेक्टिव ना बने, क्योंकि स्विंग गेंदबाज है, इनिशियल ओवर इनकी वैल्यू थोड़ा ज्यादा रहेगी, वहां पे विकेट मिलते बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ये डेथ में मेरे हिसाब से शायद उतना काम आपके लिए ना आए, ठीक है। उसके बाद में प्रिंस ने देखो लास्ट मैच अच्छी गेंदबाजी करी, अब जो चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर ग्रीन पूरे 4 डालते हैं तो मे बी आपसे प्रिमस के जो ओवर है भाई वो कट हो सकते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बस, ठीक है। बाकी अगर बैटिंग ऑर्डर की बात करते, इन्होंने वन डाउन बल्लेबाजी करी, वो चीज भी कहीं ना कहीं आपके लिए प्लस पॉइंट बन सकती है, अगर आप लोग ट्रम कार्ड ऑप्शन में इनको ट्राई करना चाहो, क्योंकि इसके नाम देखोगे 3 मैच में 40 रन है और 4 विकेट है, लास्ट मैच पूरे 4 ओवर डाल के आए थे, यही चीज मैं आपको फिर से बता रहा हूं, अगर ग्रीन पूरे 4 डालेंगे, फैबियन एलन मैक्सिमम ओवर डालते हैं, तो यहां से प्रिमस के जो गेंदबाजी है भाई साहब वो कट हो सकती है। अब लास्ट मैच टीम ने ऊपर बल्लेबाजी करवाई, ठीक है, मे बी इस मैच में टीम इनको नीचे रख दे और भाई सैम बिलिंग्स को ऊपर बल्लेबाजी करवा दे, वो चेंज इनके अंदर एक्सपेक्टेड है, तो ये मैं आपको सारी चीजें बता के चल रहा हूं, तो कोई कंफ्यूजन मत रखना, ठीक है। नीचे आएंगे थोड़ा सा, वी परमोल मेरे फेवरेट गेंदबाज है भाई साहब, और 4 ओवर अच्छे डाल के गए थे लास्ट मैच में, 16-17 के समथिंग रन दिए थे, उतने महंगे नहीं पड़े, विकेट टेकिंग गेंदबाज है, अभी भी सिलेक्शन मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा कम है, तो अगर एसकेएन इस मैच में पहले गेंदबाजी करती है आप लोग यहां से भाई परमोल के साथ में ना डिफरेंशियल अपनी टीम के अंदर जा सकते हो। फॉर्म अभी उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि उतने ज्यादा मैचेस खेलने का मौका नहीं मिला, 2 ही मैच खेले और 2 मैच में 2 विकेट इनके नाम है, लेकिन अच्छे गेंदबाज है, गेम चेंजर पिक आपके लिए बनके जा सकते हैं, खासकर पहले गेंदबाजी के अंदर, ठीक है। तो आप लोग अगर डिफरेंट जाना चाहो तो परमोल के साथ में जा सकते हो, सेफली जाओ तो फिर आपके पास में प्रिंस की ऑप्शन है, क्योंकि भाई आपको ऊपर बल्लेबाजी भी देके जाएंगे, और अगर टीम 1-2 ओवर करवा ले गेंदबाजी, विकेट मिल जाए बहुत अच्छी चीज है, ना भी मिले बल्लेबाजी में भी थोड़े बहुत रन करके चले जाए तो इनके साथ में जा सकते हो, या फिर टोटल अगर आपको कोई बल्लेबाज ही चाहिए तो फिर आप लोग लुइस के साथ में या फिर ग्रेव्स के साथ में जाओ, यहां से आपके पास में ऑप्शन आएगी जे मैकएंड्रू के, ठीक है। ये प्लेयर आपके पास में अभी भी ट्रंप में ऑप्शन में ट्राई करने को,
ऑप्शंस बची है तो बॉलिंग सेक्शन से प्रेमस को हटा के आप लोग इनमें से किसी एक के साथ में डिफरेंट जा सकते हो। अभी मेरी जो 11 प्लेयर की टीम है वो बनके क्रिएट हो चुकी है दोस्तों, जो कि मैं एक बार ही आपको यहां से दिखा देता हूं। आप लोग देख पाओगे मेरी टीम में 11 प्लेयर आ चुके हैं, लेकिन ये 11 प्लेयर की एक डेमो टीम है। अकॉर्डिंग टू टॉस एक दो माइनर चेंजेस टीम में कर सकता हूं जो कि भाई एक्सपेक्टेड रहेंगे, ठीक है। तो जो भी चेंजेस टीम में होगा टेलीग्राम चैनल पर आपको टॉस के बाद सारी अपडेट्स मिलेगी। कमेंट सेक्शन में लिंक है भाइयों, सिंपली जाइए और टेलीग्राम के साथ में ज्वाइन जरूर से कर लीजिए। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात करता हूं, सेफ ऑप्शन सबसे पहले ध्यान से सुनना, जो कॉमन पिक्स होंगे वो होंगे इमाद वसीम, काइले मेयर्स और वनिंदु हसरंगा। ये तीन प्लेयर आज के मैच के सबसे बड़ी टॉप की पिक्स है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, अगर टोटल सेफली खेलोगे, क्योंकि तीनों ऐसे प्लेयर है जो गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों जगह आपको अच्छा बैकअप देके जाएंगे, ठीक है। अब इनके अलावा डिफरेंट अगर आपको जाना है तो मेरे अकॉर्डिंग लुईस आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन है, फकर जमान के साथ में बैक कर सकते हो। नोरकी आपके लिए बेहतर है अगर एसकेन पहले गेंदबाजी करती है, ठीक है, और एबीएफ पहले करती है तो आप लोग ऐसे स्प्रिंगर के साथ में भी डिफरेंट अपनी टीम में एज ए कैप्टन या फिर भाई अपनी टीम में एज ए वाइस कैप्टन जा सकते हो, लेकिन पहले गेंदबाजी करेगी तब। बाकी सेफली खेलोगे तो फिर आपके पास में तीन ऑप्शन है जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दी, ठीक है। बाकी अगर कोई चेंज एक्सपेक्टेड होंगे टेलीग्राम पर आपको अपडेट जरूर किया जाएगा, कमेंट सेक्शन में लिंक है दोस्तों, सिंपली जाके ज्वाइन कर लेना। उम्मीद करता हूं कि भाई वीडियो आपने कंप्लीट वॉच किया होगा, पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी जरूर ऑन कर लेना, आने वाले किसी भी मैचेस के वीडियोस आपको मिस नहीं करने। मिलते हैं दोस्तों अगले मैच की वीडियो में, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस मैच में एक बढ़िया टीम सिलेक्शन करोगे और आपकी टीम अच्छा परफॉर्म जरूर करेगी।